नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप देख रहे हैं वीडियो टीवी भारत। आपको लेके चलते हैं रामपुर से ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गाजीपुर बॉर्डर के लिए भारी संख्या में निकले किसान। 3 कृषि कानून को लेकर बॉर्डर पर 7 महीने से कर रहे हैं प्रदर्शन। गाड़ियों से रवाना हुए भारी संख्या में बिलासपुर तहसील के किसान। बात करते हुए कहा, जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। साथ ही 2022 में सरकार को उखाड़ फेंक देने की कही बात। सर, मेरा नाम परमजीत सिंह भिंडर है जी, और मैं ये बिलासपुर के पास में श्रीनगर गांव पड़ता है मेरा। सर, आज कितने किसान ये लगभग मैं तो समझता हूँ कम से कम जी 2000 के आसपास हो जाएंगे। लगभग 300-400 गाड़ी हो जाएगी, बसें भी हैं, ट्रक भी हैं। तो क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है, जो ये गवर्नमेंट जो काले कानून और सबसे ज़्यादा जो हमें MSP, हमें हमारा धान जो है वो बिकता है 1200-1300, गेहूँ हमारी बिकती है 1800-1700। गवर्नमेंट का रेट कुछ है, हमें जो MSP ग्रांटेड मांगते हैं और जो 3 काले कानून हैं उनमें संशोधन कर दे गवर्नमेंट या डिले करे जब तक गवर्नमेंट है, और हमें MSP ग्रांटेड कर दे, हम घर वापस आ जाएंगे। हमें वहाँ शौक थोड़ी ही बैठने का। हम रोजी रोटी हमें सरकार ने नहीं देनी है, रोजी रोटी हमें जो खुद मेहनत करेंगे, हमारा धान गेहूँ का रेट अच्छा मिलेगा तो हमारा जीवन स्तर ऊँचा होगा। काश्तकार बहुत नीचे जा रहा है, हर आदमी कर्जे में डूबा हुआ है, और ये सरकार जो है नए, अब डीजल का रेट आप देख लीजिए, आज की डेट में डीजल का रेट 88 रुपये है। क्या करेगा काश्तकार, पहले ही भरा हुआ है। किसान जो गाजीपुर बॉर्डर नहीं जा रहे रामपुर से जी, कितने किसान होंगे? ये लगभग 1000-2000 से ऊपर होगा जो आज आज जा रहे हैं, बाकी सब आते जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। सर, काफ़ी समय से किसान बॉर्डर पे जो है वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार जो है वो सुन नहीं रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? गूंगी बहरी सरकार, इसको सुनना चाहिए। सरकार का अड़ियल रवैया है, मैं मानता हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, MSc एग्रीकल्चर हूँ, जो एक कानून बन जाता है वो जल्दी वापस जल्दी लेना बहुत टिपिकल होता है, लेकिन संशोधन कर देना चाहिए, डिले कर देना चाहिए इसको 1.5-2 साल। अगर वापस नहीं ले सकते और भी कानून फिर वापस करने पड़ेंगे, जैसे 370 है, इन्हें वो ख़त्म करना पड़ेगा। तो मैं नहीं ये कहता ये कानून एकदम ख़त्म करें, इनको डिले कर दें, 3 साल डिले डाल दें या इनको पेंडिंग में डाल दें और MSP ग्रांटेड कर दें, हम अपने घर चले जाएंगे। हमारा नाम जसवीर सिंह और जस्सा सिंह। सर, आज रामपुर से कितने किसान रवाना हो रहे हैं? आज हज़ारों की तादाद में लोग जा रहे हैं कृषि कानून के लिए, और हमारे किसान 7 महीने से वहाँ पर, बुजुर्ग बच्चे माता बहनें हमारी जो हैं डटी हुई हैं, और ये नकम्मी सरकार जो है इनके कहीं भी कोई भी किसी तरह का दर्द नहीं है किसानों के लिए। और हम यही चाहेंगे जब तक ये किसान वहाँ डटे रहेंगे, जब तक ये तीनों बिल जो कृषि बिल जो वापस नहीं होंगे। अच्छा, आप काफ़ी समय से आपके जो बड़े नेता हैं वहाँ बैठे हुए हैं और किसानों के कान पर कोई जू नहीं रिंग रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? यही है, बेशर्म की हद होती है। कोई सरकार जो बादशाह जो होता है देश का, वो यही लिहाज से होता है कि मेरी जो पब्लिक है, मेरा जो मेरे चाहने वाले लोग हैं, मेरे देश के लोग हैं, मैं उनका प्रधान हूँ, उनको मैं सुखी रखूँ। देखो, जो जिस बादशाह का शहर, जिस बादशाह का देश ही रोता और बिखलता, भूखमरी में मरता हो, उस देश के प्रधानमंत्री का क्या असर है वो आप लोग सब जानते हैं। तो क्या 2022 में अभी से किसान सरकार को अखाड़ फेंकेंगे? अखाड़ फेंकेंगे, भगवान का हुक्म हुआ तो अखाड़ फेंकेंगे, जड़ से अखाड़ फेंकेंगे इसको। ये सरकार को रहने का हक ही नहीं है भाई, हमें एक चीज़ चाहिए नहीं, आप ज़बरदस्ती क्यों हमें दे रहे हो? हमारे किसान बड़े बड़े, हमारे किसान नेता लोग हैं, हम तो एक बहुत कार्यकर्ता हैं, और हम तो ये चाहते हैं, हमारे बड़े बड़े किसान लीडरों ने भी ये कहा कि हमें ये चाहिए ही नहीं, तो आप धक्के से क्यों देते हो भाई? और हम भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और हम जहाँ पर जो आज हमने वेलकम किया है समाजवादी पार्टी की तरफ से किया है, और आजम भाई की तरफ से किया है, और पूरी समाजवादी पार्टी जो किसानों के साथ है, और जब तक ये किसान आंदोलन चलता रहेगा उनका वेलकम यहाँ पर ही है, बाबा अनूप सिंह जी की नेतृत्व में जहाँ से लोग जा रहे हैं और बढ़ चढ़ के किसान जहाँ से जा रहे हैं, और जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं हुआ ऐसे ही लोग जाते रहे। अच्छा, आजम खान और उनके बेटे भी काफ़ी समय से सीतापुर जेल में बंद है, तो उनको लेकर क्या कहें? क्या कहें साहब, धक्के है, वाहेगुरु मेहर करे, कोई भी सुनाई नहीं है, कोई कैसा, कोई धक्का है, ये तो जुल्म है, ये क्या है? हमारे आजम खान साहब जो है मुर्गी चोर हैं, बकरी चोर हैं, भैंस चोर हैं, इतने बड़े लीडर हैं वो, लेकिन इंसाफ ही नहीं है। कोई बात नहीं, भगवान मालिक है, आएगा दिन, अच्छे दिन आएंगे, हमारे किसान भाइयों के बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं,
सब किसान जागरूक हो चुका है, कोई हिंदू है चाहे कोई मुसलमान है चाहे सिख ईसाई है, सब किसान जो हैं जागरूक हो चुके हैं और इसका बदला आने वाले 2022 में लिया जाए। यूपी रामपुर से बाबर खान की रिपोर्ट।